तो आज हम बात करेंगे पावर बीआई। पावर बीआई में हम बात करेंगे विजुलाइजेशन। ओके, विजुलाइजेशन क्या है हम बात करेंगे, या कैसे विजुलाइजेशन के क्या क्या चीजें हैं इसके बारे में बात करेंगे। तो हम चलते हैं इंपोर्ट फ्रॉम एक्सेल पे क्लिक करते हैं और यहां से एक डेटा यहां पे इंपोर्ट करते हैं। सबसे पहले डेटा कैसे इंपोर्ट किया जाता है, आई थिंक मैंने आपको बता दिया था, आप आई थिंक इसका यूज किया होगा आपने। फिर हम आते हैं शीट्स के ऊपर, और शीट्स के ऊपर आने के बाद हम यहाँ पे डेटा को एक बार देख लेते हैं कौन सा डेटा है, और करते हैं लोड। लोड करने के बाद कुछ ही देर में फील्ड्स में इस डेटा के सारे फील्ड्स आ जाएंगे। तो मैंने फील्ड्स के बारे में, डेटा टाइप के बारे में समझा दिया था लास्ट टाइम में कि डेटा टाइप कौन कौन क्या होता है। हेलो, जी सर, यस सर। ठीक है, तो डेटा टाइप्स आप डेटा देख लीजिए, और डेटा टाइप देख लीजिए कोई ऐसा डेटा तो नहीं है कि फॉर्मेट में नहीं, जैसे डेट टेक्स्ट में तो नहीं है, या नंबर टेक्स्ट में तो नहीं है। ओके, या आपके पास अगर कोई रीजन है तो उसको ज्योग्राफिकल कर दीजिए, जैसे यहाँ पे अनकैटराइज डेटा दिख रहा है तो उसको ज्योग्राफिकल कर दीजिए। तो डेटा कनेक्ट करने के बाद ये चीज आप जरूर कीजिए, जैसे मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, ये मेरा क्या है, ये मेरा स्टेट है, तो मैंने यहाँ पे स्टेट सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो इसको सिलेक्ट करते ही रीजन के ऊपर आप देख सकते हैं कि रीजन का सिंबल आ गया। इसका बेनिफिट होता है जब आप यूज करते हैं अपना मैप चार्ट। अब बात करते हैं कि हम अपनी विजुलाइजेशन कैसे लें। हालांकि थोड़ा सा व्यू दिया था, लेकिन वन बाय वन चलते हैं। तो हम बात करते हैं ऊपर की रो जो कि कॉलम चार्ट है उसके बारे में, कॉलम बार चार्ट, कॉलम टाइप ऑफ द चार्ट जो है उनके ऊपर हम बातचीत करते हैं इसमें। अब मैं यहां पे सबसे पहले बार चार्ट लेता हूं, बार चार्ट पे क्लिक किया, क्लिक करते यहां पे आ गए। यहां पे आने के बाद आपको क्या करना है कि आप क्या बनाना चाहते हैं। तो मैं बनाना चाहता हूं कि कस्टमर के हिसाब से टोटल क्वांटिटी कितनी सोल्ड हुई है। तो मैंने कस्टमर को उठा के इसके ऊपर ड्रॉप कर दिया, और हमने यहाँ पे क्वांटिटी सोल्ड को ड्रॉप कर दिया। तो ड्रॉप करते ही आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वाई एक्सिस में कस्टमर चला गया और एक्सिस में हमारा। जब तक मैं डेटा नहीं डाला था ये सब ब्लैंक पड़ा हुआ था, जैसे इसके अंदर डेटा डाला यहाँ आ गया। ओके, आप मैनुअल भी यहाँ पे दे सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे शो मल्टीपल है, यहाँ पे तो जोन हमारे पास है, तो जोन को शो मल्टी स्मॉल मल्टीपल्स के ऊपर हम यहाँ पे डाल देते हैं। ऐसा डालने से क्या होता है कि एक ही चार्ट में मेरे पास चार टाइप हो जाते हैं, चार से ज्यादा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा जोन वाइज आ गया। लेकिन अगर मैं इसको लेजेंड में रखता हूं तब क्या होता है कि तब मेरा जो चार्ट है उसके पार्ट हो जाते, जोन वाइज पार्ट्स हो जाते हैं। समझे? जी सर, अब बारी आती है टूल टिप्स। तो टूल टिप्स से कोई इफेक्ट नहीं होता, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे कैटेगरी को टूल टिप्स में डाल दिया, तो यहां से आपको यहां पे कोई इफेक्ट दिखा? नहीं लेकिन सर, जैसे कर्सर रखते हैं ना, तो यहाँ पे फर्स्ट कैटेगरी दिख रहा है आपको, यहाँ पे फर्नीचर, हाँ तो इस तरह से दिखेगा टूल टिप्स में। टूल टिप्स इसी का इसलिए कहा गया है। ओके, अब ओके सर, बात आते हैं कैलकुलेशन की। तो जब मैंने फील्ड डाला तो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो गया। ऑटोमेटिकली क्या हो गया, कैलकुलेट हो गया, चल किससे, सम। तो आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहां आपको दिखेगा सम करना है, एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम, काउंट काउंट, एडिशन, डिविजन, वेरिएशन, मीडियन, और यहां पे आएगा शो वैल्यू है जिसमें नो कैलकुलेशन है। इसमें परसेंटेज ऑफ ग्रांड टोटल कर दूंगा तो यहां पे मुझे क्या दिखेगा, कंट्रीब्यूशन दिखेगा। ठीक है, ठीक है सर। अब यहां पे बात आती है कि इसमें और फॉर्मेटिंग वगैरह चेंज कर सकते हैं, तो चल कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ देखते हैं। जैसे आप चार्ट पे क्लिक करते हो तो इसमें एक तो यहाँ आपका टाइटल आता है, ए एक्सिस वगैरह है, और डेटा वगैरह है, सब कुछ दिखता है। यहाँ पे फिल्टर के निशान है, फिल्टर पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे दिखेगा कि आप फिल्टर स्लाइसर और फिल्टर के साथ इसको अप्लीकेबल कर सकते हो, कोई फिल्ट्रेशन लाइट में लगा हुआ। हालांकि फिल्टर भी ऑलरेडी यहाँ पर है, इसके बारे में भी बाद में बात करेंगे, फिलहाल इसको इग्नोर करते हैं। फिर आपका आता है एक, यहाँ पे आता है, इसको बोलते हैं फोकस मोड। फोकस मोड जब क्लिक करेंगे तो पूरे चार्ट पे आपका एक ही चार्ट दिखेगा, इसको फोकस मोड कहते हैं। अब फोकस मोड का यूज क्या होता है कि हम अपने डैशबोर्ड पे कई बार बड़े स्मॉल एरिया का छोटा छोटा चार्ट करते हैं, इसको बड़े में देखना होता है, तो इस पे क्लिक करके हम इसको फोकस मोड पे
क्लिक करते हैं दिख जाता है, फिर बैक टू करते हैं तो आप तो बाकी चार्ट को भी रिसाइज और वगैरह नहीं करने की जरूरत पड़ती है, ऑटोमेटिक जूम और जूम आउट की तरह वर्क करता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे तीन डॉट्स ठीक आपको दिख रहे हैं जिसमें एक पोर्ट डेटा, इसका डेटा है। एक्सपोर्ट कर सकते हैं, शो एज ए टेबल, इसको टेबल में शो कर सकते हैं इस तरह से, या नीचे टेबल शो करेगा, बैक टू रिपोर्ट करेंगे तो वापस नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, उसके नॉर्मल बाद रिमूव करना है, स्पॉटलाइट करना है कि ये स्पॉटलाइट होगा यहाँ पे। ठीक है, स्पॉटलाइट दिखेगा, और शॉर्ट एक्सिस, तो एक्सिस को शॉर्ट कर सकते हैं किस हिसाब से। ओके, लेकिन इसकी असली फॉर्मेटिंग यहाँ पे आती है, जो पहले तो यहाँ नीचे आती थी, लेकिन अभी नया जो वर्जन आया है उसमें ऊपर चला गया है। ठीक है, यह बिल्ड विजुअल, और यहाँ पे आ गया फॉर्मेट और विजुअल, इस पे क्लिक करते हैं तो विजुअल ये आपका जो चार्ट है इस सब का दिखाता है। तो इसमें यहाँ पे एक्सिस को अब यहाँ पे क्या शो करना है, क्या शो नहीं करना है, और किस तरह का शो करना है, ये डिसाइड होता है। तो यहाँ पे अगर हम ऑफ करते हैं तो यहाँ पे देखिए एक्सिस हट गया, ऑन करेंगे एक्सिस आ जाएगा। ओके भाई, वाई एक्सिस भी इसी तरह से हट जाएगा, आ जाएगा। ठीक है, लेजेंड यहाँ से जो है नहीं है, क्योंकि लेजेंड भी हमने डाला नहीं, डालते तो लेजेंड के ऊपर भी वर्क होता आता यहाँ पे। ठीक है ना, गिर लाइन, जो लाइनिंग डॉट डॉट दिख रही है वो शो करना है या शो नहीं करना है, करना है तो यहाँ से हटा दीजिए, नहीं करना है, करना है तो क्या होना चाहिए, डॉटेड होना चाहिए या सॉलिड होना चाहिए, उसका कलर क्या होना चाहिए, ठीक है ना, कितना मोटा होना चाहिए, यू हैव डिसाइड हियर। ठीक है, उसके बाद है जूम बिल्डर, अगर हमने ऑन ऑफ कर दिया तो ये देखिए यहां से आप उसको जूम एंड जूम आउट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा तो बड़े डेटा पे करते हैं, और खासकर जो लाइन चार्ट होते हैं ना उस पे करते हैं। ओके, तो यहाँ पे बार्स आता है, अब बार्स, तो बार्स के कलर आप अपने हिसाब से यहाँ डिसाइड कर सकते हो। इसमें आप एफएक्स दिख रहा है, जहां पे आप फॉर्मूला भी लगा सकते हो कि क्या होने पे क्या कलर आए, कंडीशनल कलर की हम बात करते हैं, समझ गए, तो इसको हम लोग जी कंडीशनल सर। कलर्स की बात करते हैं, तो इसके बारे में हम आपके साथ आगे बात करेंगे। फिलहाल इसको एक कंडीशन, यहाँ पे जैसे कंडीशन फॉर्मेटिंग था ना, जैसे कस्टम में हम जाते हैं और यहाँ पे अपना कलर सेलेक्ट करते हैं, बोलते हैं भाई ग्रेटर देन अगर 500 हुआ तो ये कलर दिखना चाहिए, और हाईएस्ट वैल्यू में कस्टम पे आते हैं कि अगर ये 1000 हुआ तो दूसरा कलर आना चाहिए, ये येलो कलर कलर देखना। आना चाहिए। ठीक है ना सर, 12 में से दिख गया यहाँ पे, दिख गया, चेंज हो गया कलर, अभी तक यस 1000 से ज्यादा ही है, तो मैं यहाँ पे ये काम करता हूँ, 5000 करता हूँ और इसको कर देता हूँ 10000। ठीक है, अभी भी देखिए ज्यादा है क्योंकि नंबर ज्यादा है इसलिए। ओके यार, नहीं सर, ये परसेंटेज में है ना, इसलिए परसेंटेज में, तो मैं ये काम करता हूँ 20% यहाँ रखता हूँ कि 20.20, और यहाँ पे मैं 50% करता हूँ 0.5। फाइव ठीक है, ओके ठीक तो इस तरह से आप इसकी कंडीशंस कर सकते हो। फिलहाल मैं कैंसिल कर देता हूँ, सर। यहाँ पे मैं एक कलर दे दूंगा तो एक कलर आ जाएगा। फिर आता है यहाँ पे स्पेसिंग, स्पेसिंग कि एक से दूसरे के बीच में क्या स्पेस होना चाहिए, कितना का दिख रहा है, बढ़ रहा है चल घट रहा है, यहाँ से स्पेसिंग आप सेट कर सकते हैं। फिर आता है डेटा लेबल्स, इसके ऊपर डेटा का लेबल शो करना है कि नहीं करना है। नंबर यस ठीक है ना, अब यहाँ पे डेटा ओके टेबल ऑफ है क्योंकि तो मैंने यहाँ पे डेटा टेबल शो नहीं किया, यहाँ शो एज ए टेबल ओके नहीं, डेटा टेबल शो नहीं किया, डेटा टेबल इसमें रखा नहीं है। तो ये क्या है, कई बार क्या होता है इसमें कि ये जो फॉर्मेटेड है, कुछ चार्ट पे कोई चीजें अप्लीकेबल होती है, कुछ चार्ट पे कुछ चीजें अप्लीकेबल नहीं होती है। अब यहाँ पे बैकग्राउंड है, तो बैकग्राउंड में मैं यहाँ पे कोई ब्राउज कर सकता हूँ, बैकग्राउंड कलर इस तरह से, बैकग्राउंड पिक्चर्स वगैरह फिट कर सकता हूँ कि फिट हो जाए। ठीक है ना, इसकी ट्रांसपेरेंसी को कम और ज्यादा कर सकता हूँ मैं, यहाँ से बैकग्राउंड हम प्लॉट की बैकग्राउंड कर सकते हैं आप। ओके, तो ये सारे फॉर्मेटिंग आपने यहाँ देखा, उसके बाद ये तो हो गई आपकी विजुअल। फिर आता है जनरल, जनरल फॉर्मेटिंग में टाइटल को शो करना है कि नहीं करना है, देखिए यहाँ टाइटल यहाँ से गायब हो गया। ठीक है,
उसके बाद यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज में साइज वगैरह पे चार्ट की क्या साइज होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, विड्थ हाइट कितना होना चाहिए, हो गया। इसमें पोजीशंस भी है कि पोजीशंस कितना होना चाहिए, एडवांस ऑप्शंस है इसके अंदर, एडवांस ऑप्शन में क्या क्या होनी चाहिए, ये चीजें आप डिसाइड कर सकते हैं। टाइटल हो गया, इफेक्ट, यहाँ से इफेक्ट की बैकग्राउंड इफेक्ट क्या होनी चाहिए, वो चीजें आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हो पूरी चार्ट की, ठीक है ना। विजुअल बॉर्डर विजुअल करना है या नहीं करना है, बैकग्राउंड विजुअल करना है कि नहीं करना है, शैडो दिखाना है या नहीं दिखाना है, हिडन आइकन, हिडन का जो आइकन है वो शो करना है कि नहीं करना है, यहाँ पे कि बैकग्राउंड क्या होनी चाहिए, उसकी फॉर्मेटिंग क्या होनी चाहिए, ये सारी चीजें यहाँ पे डिसाइड हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आता है एनालिटिक्स। अब एनालिटिक्स जो है आपके डेटा और आपके चार्ट के अकॉर्डिंग चेंज होते रहता है, जिसमें कॉन्स्टेंट लाइन आ गया, क्या आ गया, एड लाइन। तो यहाँ पे कॉन्स्टेंट लाइन लाइन एड हो गई, लाइन की फॉर्मेटिंग की, लाइन की ट्रांसपेरेंसी को हम हटा देते हैं 0%, यानी कि लाइन से ट्रांसपेरेंसी, और कितने में आना चाहिए, तो मैंने बोला कि 30% में आना चाहिए, यहाँ 30% पे आ गया, दिख गया सर। ओके, क्या डॉटेड होना चाहिए या यस सॉलिड यस होना चाहिए, हमने बोला सॉलिड होना चाहिए, और इसकी कलर क्या होनी चाहिए, तो हमने बोला इसकी कलर जो होनी चाहिए रेड होनी चाहिए, ठीक है ना, फ्रंट या बैक में, जी सर। मतलब कि देखो इसके ऊपर ओवरलैप कर रहा है या इसके बैक में जाना है, बिहाइंड करेंगे तो पीछे चला जाएगा, इन फ्रंट करेंगे तो ऊपर आ जाएगा, आ गया जाएगा। ठीक है। ओके। डेटा लेवल यहाँ ऐड करना है तो डेटा लेवल ऐड हो जाएगा, तो लेटर लेवल यहाँ पे इसका डेटा, किसका, लाइन का डेटा लेवल। एरर बार्स ऐड करना है तो एरर बार ऐड कर सकते हैं। तो ये आपकी चार्ट। अब जो फॉर्मेटिंग हमने डिसाइड किया वो क्या है कि स्पेशली किसी एक चार्ट के लिए नहीं होता, सब चार्ट के लिए सेम होता। अगर हम इसकी बात करें, इसमें भी आप देखेंगे, तो यहाँ पे अगर हमने मान लीजिए कैटेगरी रख दिया, तो कैटेगरी के बाद मैंने इसमें मान लीजिए सॉलिड क्वांटिटी रख दिया, तो कुछ इस तरह से डेटा बना बना, और यहां भी लेजेंड है, यहां भी स्मॉल मल्टीपल मल्टीपल्स है, आप डिसाइड कर सकते हैं। और इसकी भी आप जाएंगे फॉर्मेटिंग में, तो सारी फॉर्मेटिंग जनरल और इसकी फॉर्मेटिंग सेम है। इसकी भी अगर डेटा एनालिटिक्स में आप जाते हैं, तो एनालिटिक्स में सेम कॉन्स्टेंट लाइन एरर लाइन सेम आता है, ठीक है। उसी तरह से अगर हम बार चार्ट कर्सर बार चार्ट करें, तो भी सेम थिंग आपके देखेंगे कि यहाँ भी सारे चीज सेम है, और कॉन्सेंस लाइन में यहाँ थोड़ा सा बढ़ गया, मतलब कॉन्सेंस लाइन आपका डेटा और चार्ट टाइप से बढ़ता घटता रहा, ठीक है। तो यहाँ पे मिनिमम लाइन, मैक्सिमम लाइन, एवरेज लाइन, मीडियम लाइन, परसेंटेज लाइन, एरर लाइन, ये आपके अंदर बढ़ गए। उसी तरह से यहाँ पे कर्सर कॉलम है, सेम थिंग, इसी में आपका ये आता 100%। 100% में क्या होता है, कंट्रीब्यूशन होता है, इसमें आपको लेजेंड रखना पड़ेगा, जैसे कि हमने यहाँ पे जोन का लेजेंड रख दिया, क्या रख दिया, जोन का लेजेंड, तो इससे पता चल रहा है कौन सा जोन का कितना परसेंटेज है। उसके बाद सेम आपका 100% इसमें आता है, सेम ही चीज होती है, तो क्लियर हो गया जी सर। तो इस पे कीजिए प्रैक्टिस, अगली क्लास में हम नीचे की लाइनें के बारे में बात करेंगे। अब ज्यादा इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आपके पास प्रैक्टिस के लिए कुछ है नहीं, तो उतना ही पढ़े जिसको वीडियो देख के आप याद रख सके, याद रख सके। थैंक यू सर, थैंक यू।